इन लोग के सहयोग में मैं खड़ा हूँ। अच्छा, यहाँ मौजूद है? मौजूद। संविधान निर्माता है भीमराव अम्बेडकर जी, इन्हीं की देन है कि हम लोग पढ़ लिख के आईएएस से पीछे जितनी छोटी नौकरी चाहे बड़ी नौकरी है, इन्हीं की देन से आज हम लोग धरती पे खड़े हुए हैं। बाबा साहब के मान सम्मान करा, बाबा साहब जितना बनाए के गए उतना केहू ना बनाए गए, धरती पर जन्म न ला ले रहा है जितना बाबा साहब बनाए के गए। मान लो आज उनका जन्म हुआ है 1891 उनका जन्म हुआ है, और वही सब उस मना रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, 14 अप्रैल को वहाँ पर मनाया जाता है, और उनका जन्म 1891 हुआ था उनका जन्म। जैसे उनके बारे में कुछ कहना, ये समझिए कि सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। उनकी जन्मतिथि 14 अप्रैल। बहुत मेहनत से किए, बहुत कठिन परिश्रम से किए थे। कब हुआ है? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल सन 1891। ईश्वर ने बनाया है, तो जब ईश्वर ने बनाया तो उनके साथ भेद क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब इतना सब कुछ बनाए हैं, तो हम लोग बाबा साहब के लिए तो रात पूरा बिता ही सकते हैं। उनको ज्ञान बुद्धि शिक्षा दिए, आज 14 अप्रैल हम लोग 14 अप्रैल मना रहे हैं। 22 लोगों की ये क्रिया चल रही थी संविधान लिखने की, समतामूलक बंधुता का संदेश बाबा साहब ने संविधान के तहत दिया है, हम हमेशा अपना समाज बनाना चाहते हैं। उनके माता का नाम श्री रामजी सकपाल, जो कि मेजर थे। यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है, मैं नीरज प्रजापति। मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला सरायमीर थाना के करीब एक गांव पड़ता है पूना पोखर, जो वार्ड नंबर 2 में अम्बेडकर नगर बोला जाता है। यहाँ पर बौद्ध जी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का और रविदास जयंती का प्रतिमा, यहाँ लोग जो है उत्साह से रविदास जयंती मना रहे हैं और फूलों से अर्पण किए हैं, माला फूल से। और इसी के साथ हमारे छोटे भाई एक हैं, इनसे मिलते हैं। और रविदास जयंती कब से मनाया जाता है, क्या उद्देश्य दिया जाता है? भैया अपना परिचय देते हुए। मैं सभासद अम्बेडकर नगर से, वार्ड नंबर 2 से, जो ये कार्यक्रम है इन लोग के सहयोग में मैं खड़ा हूँ। अच्छा, यहाँ मौजूद है? मौजूद। अपना परिचय दीजिए। नाम? प्रदीप सोनकर। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? सरायमीर पूना पोखर से, अम्बेडकर नगर। और इसी के साथ साथ खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे यूथ कॉर्नर के साथ हमारे बड़े भाई, जिनको चेयरमैन के नाम से सब जानते हैं। हाँ, और इनको केवल चेयरमैन के नाम से जानते हैं, जनता यहाँ की चेयरमैन इनको कहती है, और नाम पता नहीं है क्या है। क्या नाम है भैया? राजेश गौतम। कहाँ के निवासी हैं? पूना पोखर। ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है और 14 अप्रैल को ही इनका जन्म हुआ, क्या आपको डेट पता है किस सन में जन्म हुआ, किस जगह? 1891 में किस जगह हुआ था? नगर महुआ में। अच्छा, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं जनता को? बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने इतना सभी समाज के लिए बना करके गए हैं, एक संविधान बढ़िया लिख के गए हैं, इसी से जनता को। संविधान में क्या है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान में क्या है? संविधान के रचयिता हैं। कुछ लोग बताते हैं कि अध्यक्ष हैं। नहीं, रचयिता हैं, इन्हीं के द्वारा संविधान बनाया गया है। अच्छा। हाँ, अच्छा। और इसी के साथ साथ हमारे एक छोटे भाई हैं, इनसे भी मिलते हैं। भैया अपना परिचय दीजिए। मैं पिंटू सोनकर, नगर पंचायत सरायमीर का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी, वार्ड नंबर 2 अम्बेडकर नगर तलिया का निवासी हूं मैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था? बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के राज्य में हुआ। इनके पिता का नाम रामजी मोलाजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल। अच्छा, ये 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती शुभ अवसर पे वार्डवासी पूना पोखर के सभी सम्मानित गण जनता बड़ी उत्साह से हम लोग मनाने जा रहे हैं। हमारे जो संविधान निर्माता हैं भीमराव अम्बेडकर जी, इन्हीं की देन है कि हम लोग पढ़ लिख के आईएएस से पीछे जितनी छोटी नौकरी चाहे बड़ी नौकरी है, इन्हीं की देन से आज हम लोग धरती पे खड़े हुए हैं, और इन्हीं के देन से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, चाहे छोटी जातियां हों चाहे बड़ी जातियां हों, भीमराव अम्बेडकर का देन ही है।
कि हम लोग आज समाज में खड़े होकर बात कर लेते हैं, थाना में बात कर लेते हैं, कचहरी में बात कर लेते हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग सम्मान से खड़े रहते हैं। और हम लोगों का उत्साह 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती पे हम सब मिलके उत्साह से मनाएंगे और खुशियां हमेशा ऐसी छाई रहेगी, हम लोग चौनरिया में रहेंगे। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब, बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूथ कॉर्नर के साथ, मैं नीरज प्रजापति। हमारे एक चाची मिली है, आंटी मिली है, चाची अपना नाम बताइए। राधिका। बाबा साहब के बारे में क्या निर्देश देना चाहती हैं अपने वार्ड वासियों या ग्राम वासियों को? अच्छा क्या अच्छा, अच्छा यही है कि बाबा साहब के मान सम्मान करा, बाबा साहब जितना बनाए के गए उतना केहू ना बनाए गए, धरती पर जन्म न ला ले रहा है जितना बाबा साहब बनाए के गए। बाबा साहब का सुनने में आता है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई बड़ा कठिनाई से कहीं ने कैसे कठिनाई कहीं ने कि कितना लोग जो पढ़े ना दहने का न कल आज हम तू जितना जब कलेक्टर भैल हुए बाबा साहब के देन यो तब भैल हुए, जितना जब कलेक्टर हुआ ना बाबा साहब के देन यो कि तब भैल हुए, कैसे धरती बना के पैदा भैल लाले कि बाबा साहब ऐसा पैदा हो जाए। कैसे 1 से 5 तक कैसे पढ़ाई की है? बड़ी कठिनाइयों पढ़ाई किया है, है। उनको स्कूल के बाहर बैठा दिया जाता अच्छा, था बाहर जो जो ऊंचे समाज के लोग थे उनको अंदर बैठाया जाता था। इनके इनके पास इतना ज्ञान था कि कोसों दूर रह के भी मुंह से बोला हुआ शब्द एक ज्ञान पूर्वक अपने दिमाग में बैठा लेते थे। इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जी। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर के देन है कि हम लोग बहुत सुख शांति हर जगह जाए, थाना हो कहीं भी जाके बात करते हैं, संविधान के रचयिता है, संविधान निर्माता है। हाँ, जो भी जितना दुनिया में है सबसे ज़्यादा वायरल भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल पूरे विश्व में उठा के देख लीजिए। अच्छा, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में मनाया जाएगा खुशी से। भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूथ कॉर्नर के साथ, मैं नीरज प्रजापति। यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है, मैं नीरज प्रजापति। मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के सरायमी थाना के करीब एक ग्राम सभा, ये गांव कौन पड़ता भैया? चक कोट में उपस्थित हूँ। यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती में आज 14 अप्रैल है, इस जयंती पे यहाँ के ग्रामीण लोग इतना उत्साह हैं और बाबा साहब का अभी माल अर्पण करेंगे, यहाँ दीप जलाएंगे और काफ़ी कगार की जनता में यहाँ पर जुटी हुई है। इसी के साथ हम मिलते हैं किसी से और आप जुड़े रहिए यूथ कॉर्नर के साथ, मैं नीरज प्रजापति। साथ हमारे एक बड़े भाई मिले हैं, भैया अपना परिचय देते हुए आप अपना नाम बताइए। दिनेश प्रजापति, पूरा पाराना सरायमीर। यहाँ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहता हूँ, वही सब मान लो आज उनका जन्म हुआ है, 1891 उनका जन्म हुआ है। हाँ। और वही सब उस सब मना रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर किस काम, कौन सा काम है ये? चक कोस्ट में। अच्छा, चक कोट तलिया भी इसको? हाँ, तलिया भी बोलते हैं इसको। अच्छा, और काफ़ी महिलाएं यहाँ जुटी हुई हैं? वहाँ पर जनता बहुत है, कम से कम 400-500 जनता है सब वहाँ पर जुटे हुए हैं। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा? क्या संदेश देते हैं, 14 अप्रैल को सब मनाते हैं धूमधाम से वहाँ पर। अच्छा, एकदम पूरा आदमी सब कुछ में उन लोग है की है। और इसी के साथ साथ चाचा आए, अपना नाम बताइए। हम रामोद गौतम हैं। कहाँ के निवासी हैं? चक्कोट के भैया। अच्छा, हम इस समय और इस साल तो काफ़ी धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही, जुटे हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बाबा साहब भारत रत्न की उपाधि लेते हुए भारत का संविधान बनाए, उन्होंने हम लोगों के प्रति बहुत योगदान दिया और हम यही कामना करते हैं कि वो हमारे समाज, हमारे हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हम ये चाहते हैं हमारा समाज कर्मठ रहे, संघर्षशील रहे, शिक्षित रहे, हमारी हर तरह से यही कामना है और यही प्रेरणा देते हैं। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारा समाज, हमारी औरतें, हमारी महिलाएं, बहनें हर तरह से उनके योगदान को स्मरण करें, संकल्प लें कि वो हर तरह से शिक्षित बने, शिक्षित रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, हमारी यही शुभकामना है। हम यह चाहते हैं इनका हर साल इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ में पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे भारत देश में भारतवर्ष का ऐसा नाम स्मरण करें, ऐसा नाम योगदान दें
कि वो धन्य हो, उनकी आत्माएं धन्य हो। यहीं से हम अपनी कामना को, हम अपने विचार को। चाचा ने बताया है कि 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ है और पूरे विश्व में इनकी जयंती मनाई जाती है। और इसी तरह खबरों को देखने के लिए चाचा देखिए दीप जलाने वाले हैं और काफ़ी लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और इसी के साथ खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ, मैं नीरज प्रजापति। यहाँ पे सब यहाँ की जनता इतना उत्साह है और इसी के साथ देखिए। मेरा नाम है पी कुमार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्यों नहीं कहेंगे, जरूर। इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। किस जगह हुआ है याद है? माहू में। माहू में, इंदौर माहू में। अच्छा, कौन सा प्रदेश पड़ता है? इंदौर मध्य प्रदेश। अच्छा, इनके माता का नाम याद है? पिता का नाम, माता का नाम? पिता का नाम, माता का नाम याद, सारा रामाबाई। अच्छा, रामाबाई। और ये बचपन में पढ़ाई बड़ा मेहनत से किए हैं? बहुत मेहनत से किए, बहुत कठिन परिश्रम से किए। और क्या उद्देश्य देना चाहते हैं बाबा भीमराव जी? सब के मतलब कि जैसे जैसे मतलब संघर्ष करेंगे, जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। वो संघर्ष किए थे तो आगे आज उनका नाम चल रहा है पूरे भारत में, पूरे ऑल इंडिया में उनका नाम चल रहा है। मेरा नाम है पी कुमार। अच्छा, इसी तरह खबरों को देखने के लिए एक बच्ची है, क्या नाम है बच्ची? ज्योति। क्या बोल रही थी बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में, क्या कह रही थी? कब जन्म हुआ है याद है? हाँ, कब हुआ है? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल सन 1891 में। अच्छा, कहाँ की हो? सरायमीर। किस क्लास में पढ़ती हो? 6। अच्छा, कहाँ पढ़ती हो? कन्या पाठशाला में। अच्छा, कन्या पाठशाला सरकारी विद्यालय में। यस। और माता पिता का नाम याद है? हाँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, क्या नाम है माता का नाम? बीमा बाई। और पिता का नाम? पिता का नहीं याद है। नहीं याद है, कहाँ पैदा हुए थे कुछ जानकारी है आपको? नहीं। और देखिए इतनी छोटी बच्ची बता रही है कि उनका जन्म तिथि बता रही है कि 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। और माता का नाम बताइए, क्या नाम बताइए बेटा? भीमाबाई। भीमाबाई बताई है। इतनी छोटी बच्ची जो है 6 क्लास में सरकारी विद्यालय में पढ़ती है, कन्या पाठशाला में, सरायमीर में। और इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ, मैं नीरज प्रजापति। यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है, मैं नीरज प्रजापति। मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सरायमीर थाना के करीब, एक गांव पड़ता है चककोट और अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 2 का तलिया। यहां कुछ माताएं बहनें उपस्थित हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है, आज 14 अप्रैल है। यहां देखिए एक बार दृश्य यहां का दिखाया जाए, और उसी के पीछे पीछे भी दृश्य, यहां जनता भी जुटी हुई है काफ़ी कगार में, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ भैया से मिलते हैं, क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में? भैया एक बार खड़ा हो जाइए, अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम है रमेश चंद बौद्ध जी। मैं बुद्धयान भीम ज्योत सेवा संस्थान सरायमीर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ सदस्य हूँ जी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था, किस जगह पर जन्म हुआ है, कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी जी, बहुत बढ़िया सवाल है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू छावनी इंदौर में हुआ था। उनके माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी राव, सूबेदार थे वो उस समय अंग्रेजी सेना में। और बाबा साहब का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, उस समय की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो मानव से मानव में भेद करती थी, जो दो प्रकार की संस्कृति थी, एक जो है सर्वण संस्कृति थी और एक ब्राह्मणवादी संस्कृति थी, जो मानव के साथ, जिसे कहा तो जाता था कि सबको ईश्वर ने बनाया है, तो जब ईश्वर ने बनाया तो उनके साथ भेद क्यों हो रहा है? सबको तो ईश्वर ने अगर बनाया है तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक साजिश थी, और उसी सामाजिक साजिश को बाबा साहब ने बहुत बारीकी से समझा और अपने जीवन में अद्वितीय संघर्ष करते हुए और विश्व में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करके, जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, आजकल जो शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने जीवन की सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए, अपना भौतिक जीवन जो भी है, लेकिन बाबा साहब ने विश्व में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, जो समाज का दबा कुचला समाज था, जिनके पास पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छा पानी पीने का अधिकार नहीं था, समाज में जो गैर बराबरी थी,
बाबा साहब ने अपने जीवन में अद्वितीय संघर्ष करके सबको बराबरी का अधिकार दिया। आज बाबा साहब की देन है, बाबा साहब ने भारत देश का सुंदर संविधान लिखा, जिस संविधान के अंतर्गत हमको समता का अधिकार मिलता है, चाहे वह महिला किसी भी समाज की हो, वो प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक बन सकती है, चाहे पुरुष हो वह भी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकता है, या किसकी देन है, संविधान की देन है। ये बाबा साहब के संघर्षों की देन है, और चाहे वह शासन प्रशासन का क्षेत्र हो, वह एक चपरासी से लेकर के मुख्य न्यायाधीश तक बन सकता है, या संविधान की देन है या धर्म की देन नहीं। अगर धर्म की देन होती तो आज भी जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम बचपन से ही था कि बचपन में नाम दूसरा था, क्या जानकारी दे सकते हैं इसकी? बचपन में बाबा साहब को भीमा कहा जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे मतलब उनकी शिक्षा बढ़ती गई तो उनके नाम में परिवर्तन हुआ। जो उनके जो गुरु थे, शिक्षा के गुरु थे, उस समय की घटना है कि जब बाबा साहब का एडमिशन हुआ तो एक बार बाबा साहब कक्षा 1 से 5 तक बहुत मेहनत से पढ़ाई किए हैं, जिसमें विद्यालय में इनको नहीं बैठने दिया जाता है, ये क्या सत्य है? ये तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन बाबा साहब की जो प्रतिभा थी उनको देख करके, एक बार की घटना है बाबा साहब के जीवन की, कि बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश हुआ और बाबा साहब अकेले भीगते हुए स्कूल में गए। उस समय कोई जो है कि बच्चा स्कूल नहीं गया, और केवल मास्टर साहब थे। जब मास्टर साहब ने बाबा साहब को देखा कि इनके अंदर इतनी लगन है और ये आगे चल करके समाज का कुछ बड़ा उत्थान करने वाले हैं, उनके अंदर करुणा मैत्री जागी। उन्होंने बाबा जो मास्टर बाबा साहब से दूर भागता था, छुआछूत का व्यवहार करता था, वह उनको गले से लगाया और अपना नाम भी उनको दिया। ये बहुत गरीब परिवार से थे। जी जी जी, गरीब परिवार से थे। वो इतिहास बताया जाता है कि उनकी जो पत्नी थी माता रमाबाई अभाव में, जब बाबा साहब का जो विद्यार्थी जीवन था उस समय वो जो है उपली जो है पाती थी, गोबर जो है कि इकट्ठा करके और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके जो है अपने घर का जो है खर्चा चलाती थी, जीवन यापन करती थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का नाम पता है? माता रमाबाई अम्बेडकर जी। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, थोड़ा सा भी इधर भी देख बताएं से। इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ, और आइए माताएं से मिलाते हैं। क्या नाम है? हम नीलम। बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहती हैं? बैठ कहा बाबा साहब के बारे में हम लोग बाबा, आज 14 अप्रैल है और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में बता रहे हैं सब, ये भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। हाँ सही है। तो क्या संदेश देना चाहती हैं? यही हम लोग संदेश देना चाहिए कि आप लोग, इतना रात हो गया है फिर भी यहाँ जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं बैठ करके, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब इतना सब कुछ बनाए हैं, तो हम लोग ये बाबा साहब के लिए तो रात पूरा बिता ही सकते हैं। और इसी के साथ साथ आइए एक चाची से भी मिलते हैं, क्या कहती हैं। और इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे यूथ कॉर्नर के साथ, आइए और दिखवाते हैं। क्या नाम है? पकड़िए मत, बोलिए क्या नाम है। मेरा नाम राजमती है, मैं चकोट से बोल रही हूँ। बाबा साहब के बारे में क्या कहना? बाबा साहब के बारे में यह है कि हम लोग को ज्ञान बुद्धि शिक्षा दिए, आज 14 अप्रैल हम लोग 14 अप्रैल मना रहे हैं। संविधान के क्या है बाबा साहब, मालूम है? नहीं हमको नहीं मालूम है? नहीं हमको नहीं मालूम है सर। अच्छा, इतना बड़ा संविधान बाबा साहब लिखे हुए हैं, आपको जानकारी नहीं है? जानकारी है कि हम लोग को ज्ञान बुद्धि दिए, शिक्षा दिए, वो हम लोग को वो पढ़े तो हम लोग उनसे तो हम लोग भी पढ़े। बाबू पढ़ते हो? कौन सा क्लास में पढ़ते हो? लालचंद बौद्ध सराय मीर बस्ती आजमगढ़ जी। ये जो संविधान है, संविधान के क्या है बाबा साहब? हाँ बाबा साहब, ये बाबा साहब एक प्रकार के समझ लीजिए विद्वान थे कि जी, कोई 22 लोगों की ये क्रिया चल रही थी संविधान लिखने की। अच्छा, 22 लोगों की चल रही? हाँ 22 लोगों। उसमें तो बता रहे हैं कुछ लोग की सिग्नेचर उसमें जो लास्ट पेज में हुआ, 300 कुछ लोगों को हुआ। वो बहुत लोग थे मगर 22 लोगों की ये क्रियाकलाप चलती थी। बाबा साहब उस समय अध्यक्ष थे। अच्छा। और उन्होंने सारा प्रूफ तैयार किए अंग्रेजों को सौंपे और भारत उस समय आज़ाद हुआ। और बाबा साहब ने सारी क्रिया करने के बाद, बाबा साहब ने समता ममता करुणा मैत्री शील सदाचार भगवान गौतम बुद्ध का सारा उपदेश लाकर इस संविधान में लिखे हैं, और उसी से यह सारा भारत
नहीं विश्व, इतना लचीला ये हमारा संविधान है कि पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ संविधान है। अपना एक बार पढ़ के बताइए। मेरा नाम लालचंद बौद्ध, बस्ती सरायमीर आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। इसी तरह खबरों को देखने के लिए आइए, बढ़ते हैं। भैया लोग भी हैं और एक बड़े भाई हैं और काफ़ी दूर से आए हुए हैं, इनसे भी मिलते हैं। अपना परिचय देते हुए भैया। परिचय हमारा जो है राम वृक्ष बौद्ध। हम बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब के बारे में हम यही चाहते हैं कि जैसा समता मूलक बंधुता का संदेश बाबा साहब ने संविधान के तहत दिया है, हम वैसा अपना समाज बनाना चाहते हैं और समता मूलक समाज का उत्थान करना चाहते हैं। जी, इसी के साथ साथ हमारे एक बड़े भाई हैं जो समाज सेवी और पूर्व सभासद हैं। भैया अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार गौतम है, मैं मौलाना नेसाई अम्बेडकर नगर का हूँ जी, और पूर्व सभासद हूँ जी। और भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ काफ़ी महिलाएं, काफ़ी पुरुष इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी रात भी हो चुका है। जैसे उनके बारे में कुछ कहना जी, ये समझिए कि सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है जी। जी, जितनी भी की व्याख्या किया जाए बहुत ही कम है जी। आज उन्हीं दिन है कि सर समाज के लोग सभी लोग आज उनका बड़े हलोसाद से मौसम मनाया जा रहा है जी। और जिन्होंने सबको एक समानता का अधिकार दिया जी, जी। और इसी के साथ साथ एक बच्ची है, आइए इससे भी मिलते हैं। बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो है मगर उनके हेलो उनके बारे में क्यों भाग रही है, दूर क्यों भाग रही है? भाग नहीं रहे हैं कुछ। क्या क्या नाम था उनका, बचपन का नाम याद है? मिलता है बचपन का नाम याद तो नहीं है। जन्म तिथि आप लोग यहाँ है? उनकी जन्म तिथि 1900 आपका यहाँ रहना चाहिए। 1800 नहीं तो हम लोग 14 बोलने का। और आपका इनके माता का नाम याद है? मतलब नहीं बनेगा हमारा भी नुकसान और आप लोगों का भी। भाई है ऐसा नाम कोई? तो जब तक आप लोग हैं शांति पूर्वक जो भी पिता का नाम है याद नहीं रहता ध्यान से सुनिए। उनकी पत्नी का नाम? उनकी पत्नी का नाम नथ में शरणं अयं। और इसी तरह खबरों को देखने के लिए यूथ कातर के साथ आइए, मिलते हैं हमारे एक बड़े भाई हैं। अपना परिचय देते हैं। मैं दिनेश प्रजापति पूरा कोराना सरावी जी। बाबा साहब के बारे में क्या उपदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब को मान लो उपदेश देना चाहता हूँ। मान लो वहाँ पर 14 अप्रैल को वहाँ पर मनाया जाता है और उनका जन्म 1891 हुआ था उनका जन्म, और यही आज का लोग मना रहे हैं सब। क्या रात भर रहेंगे यहाँ? नहीं रात भर नहीं रहेंगे, तो वो 10-11 बजे तक रहेंगे। हमारे एक छोटे भाई हैं और इनसे मिलते हैं, कुछ बाबा साहब के बारे में कहना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? ये हम सरायमीर शर्मा के रहने वाले हैं। क्या नाम है? नाम अजीत गौतम है जी। बाबा साहब के बारे में क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने मान लीजिए पूरे सरायमीर क्षेत्रवासियों को? जी हम एक संगठन बनाए हैं जी। कौन सा संगठन है आपका? हमारा संगठन है भीम आर्मी, हम लोग जुड़े हैं जी। हाँ, हमारा चंद्रशेखर भाई हमारे माननीय अध्यक्ष चीफ जी, उनके हिसाब से और अपने समाज में हम जागरूकता पैदा कर, अपने माताओं बहनों को जागरूकता पैदा कर रहे हैं जी। और अपने समाज को आने वाले समय में बहुत ऊंचा लेके जाना है। बाबा साहब का जन्म तिथि याद है? कब जन्म? बाबा साहब जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। किस और देश में हुआ था? बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ था। और हमारे सुनिए हमारे इनका बचपन का नाम दूसरा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा दूसरा भी नाम था कुछ? नहीं, बाबा साहब जी का नाम था भीमा, सिर्फ ओनली भीमा। जब बाबा उनके माता पिता का नाम? उनके माता का नाम श्री रामजी सकपाल, जो कि मेजर थे और जब हमारा चल रहा था कि जमार रेजिमेंट उसमें, उनकी माता का नाम भीमा बाई, उनकी पत्नी का नाम रमा बाई, दूसरी पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर। किसका? बाबा साहब जी। बाबा साहब का दो शादी हुआ? बाबा साहब जी का दो शादी हुआ। अच्छा जी, बाबा साहब की दूसरी शादी हुई, उनका नाम सविता अम्बेडकर था। और बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया और आज हम नव युवक नव दल जो आप अपने समाज के लिए जगा रहे हैं अपनी माताओं बहनों को, आज मुझे एक खुशी मिल रही है कि एक समय था अभी अगले साल हमारे लोगों ने इधर हमारी माताएं बहनें दो लोग हमारी बहनें थीं यहाँ पे बैठाए थे बाबा साहब की मूर्ति, तो कम भीड़ थी
और आज हमें इतना बड़ा सभा देखने के लिए मिल रहा है, हमें बहुत खुशी है। और आगे वाले आने वाले समय में बहुजन समाज जागेगा और बहुजन सरकार होगी, बहुजन हुकूमत होगी, बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। इसके पहले इतनी भीड़ नहीं थी जैसे आज जितना भी रैली निकल रहा है, चाहे जिला में किसी जिला में देखा जाए, इतनी रैली में इतनी भीड़ नहीं होती थी, इस साल काफ़ी भीड़ है, ऐसा क्यों? वो क्या ना, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, नवयुवक जाग रहे हैं। कुछ लोग कहे हैं कि कोरोना काल की वजह से रुका हुआ था, इसलिए इस साल धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना क्या है, अगर सरकार निकम्मी है, सरकार को हटाना पड़ेगा, वो हमारा काम है, जनता का काम है। सरकार राजनीति करती है हर एक चीज़ के लिए, कोई भी नेता हुआ बाबा साहब का छोटा सा फोटो लगा के बाबा साहब के ऊपर राजनीति करता है, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, और हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए अपनी सरकार खुद बनाए। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात बोली थी, जब बाबा साहब आए थे, एक सभा थी, उसमें बाबा साहब ने बोला था कि जब अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, तो लोगों ने हंसने लगा बाबा साहब की शक्ल देख कर। तो लोगों ने, तो बाबा साहब ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा बाबा साहब हमारे पास तो घर नहीं है, हमारे पास आज झोपड़ी है, मड़ई है, वो भी किसी के पास नहीं है। और आज देखिए सबके पास अच्छे अच्छे मकान हैं, बिल्डिंगें लहर रही हैं, लेकिन आज भी नहीं लिखा गया है कि हम इस देश के शासक हैं। हमारा लोग बोलते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिल के करेंगे पूरा। तो बाबा साहब का मिशन अधूरा हम लोग करेंगे और करते रहेंगे, संगठन बना है हमारा मजबूती से, और अपनी माताओं बहनों को साथ लेके चलेंगे, सभी बहुजन जितने भी हमारे 85 मूल निवासी भाई हैं सबके साथ लेके चलेंगे पूरे सहमति से। और ये सरकार अगर निकम्मी है उसको हम निकाल फेंकेंगे, जो बाबा साहब को और इस भारत को उखाड़ फेंकने की काम करेगी उसको हम निकाल फेंकेंगे बस। और इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे यूथ कॉर्नर के साथ। मैं